बस हुआ, वो मेरा आशिक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे रोक सकती हो? चिल्लाओ मत। रुक जाओ। वो सांस नहीं ले पाएगा। उसके बदले मैं चली जाती हूँ। मेरे बच्चे। بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون بيتا ارجعوا بچے ارجعوا मेरे बच्चे उठ जाओ। वो पूरी तरह से टूट चुकी है। नहीं तो और क्या होगा, उसका पोता मरा है यार, बस वही उनका सहारा था। सफाक को देखो जरा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा उसे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। उसकी बहन जो साथ में है उसके, कल रात ही बोल रहा था ना कि जाकर उसके दादी को सबक सिखाएगा, अब उसको अच्छा लग रहा होगा। ऐसा कहा उसने? अच्छी बात है, एक्सीडेंट बता रहे हैं वो, क्या पता सच क्या है। उस सुलह को तो देखो, उस सुलह को तो देखो कैसे खड़ी होकर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, जैसे कि सलीम के मरने से उसका कोई वास्ता नहीं। अरे वो सदमे में है यार। लेकिन मुझे तो सच में लगता है इस हादसे में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। सफा कैसे ही बेवजह अपनी बहन को चिपक कर नहीं खड़ा रहेगा। सच का बेवकूफ लोग। क्या हुआ शफाक? कुछ भी नहीं। तुम ठीक हो? हाँ, कम से कम मैं जिंदा तो हूं। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है शफाक, वो बस एक एक्सीडेंट था। पता है, मेरा बच्चा, बेटा सलीम, बेटा कादिर, बेटा मेरा बच्चा वहां सांस नहीं ले पाएगा, मेरा बेटा यहां सांस नहीं ले पाएगा। निकालो इसे यहां से,
वह सांस नहीं ले पाएगा। कितनी कम उम्र थी मेरे बच्चे की। निकालो इसे, क्या हो रहा है? मुझे ले लो, मुझे भेज दो वहां। कितनी कम उम्र थी इसके, उठाओ इसे। मेरे बच्चे, वो सांस नहीं ले पाएगा। उसके बदले मैं चली जाती हूँ। मेरे बच्चे, पहले मेरी जान क्यों नहीं चली गई? मेरे बच्चे, इसके बदले मैं चली जाती। मेरे लाडले, मेरे सलीम, उठ जा, उठ जा मेरे बच्चे, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा बेटा, मेरे बच्चे। अब मिसेस कीमेत की देखभाल कौन करेगा? पता नहीं मुझे। वो लोग एक परिवार के हैं, वो उसे ले जाना चाहते थे, मैं कुछ कह नहीं सका। सही कहा। कल हम उन्हें कॉल करेंगे। ठीक है, अब तुम कैसे हो? पता नहीं, हर किसी की मौत पर दुख होता है, पर ये बहुत दर्दनाक था। अभी भी संभल नहीं पा रहा। उस बच्चे की जिंदगी अभी शुरू हो रही थी। लग रहा था आज हमने उसे नहीं, किसी और को जमीन में दफनाया है। क्या करे, ईश्वर की यही इच्छा थी। तुम यहां हो मेरे साथ और जिंदा हो। चलो, क्या हुआ? वो मुझे ऐसे दीदी का जरा सा डर लग रहा है। मुझे भी। सुकरान के ड्रैगन्स भी डरते हैं मुझसे। हम बहुत थके हुए हैं, हमारे लिए मुश्किल समय शुरू है। तुम उस घर में नहीं जा सकते, पापा के घर नहीं जा सकते, इसलिए मजबूरी में आयसी दीदी को हमें घर में लेना ही होगा। और कोई रास्ता ही नहीं है। तुम तैयार हो? अभी मैं तैयार हूं। चलो फिर आ जाओ। हमेशा मेरे पीठ पीछे झूठ क्यों बोलती हो फातिमा नूर? हाँ क्यों? तुमसे प्यार करता हूं तो ऐसे तकलीफ दोगी तुम? अहमद छोड़ो मुझे। मुझसे ऐसे डरने का नाटक करना बंद करो। मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। अहमद छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, तुम आशिक के साथ भाग जाओगी। बस हुआ, वो मेरा आशिक नहीं है। बेचारी लड़की, मैं भी तुम्हारा आशिक नहीं हूँ, समझी फातिमा नूर? कोई आशिक नहीं है तुम्हारा, समझी बात को? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे रोक सकती हो? हाँ, दरवाजा खोलो जल्दी। फातिमा नूर, अहमद, अहमद प्लीज जाओ यहाँ से, मैं बेनती करती हूँ, चले जाओ यहाँ से। फातिमा नूर दरवाजा खोलो, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। फातिमा नूर, ये आंसू मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते फातिमा नूर, समझी? और एक बात फातिमा नूर, तुमने उस आदमी को हमारे घर पर कैसे बुलाया? तुम मेरी बीवी हो फातिमा नूर, खामोश हो जाओ, चिल्लाओ मत। रुक जाओ प्लीज फातिमा नूर, तुम मेरी बीवी हो, चिल्लाना बंद करो फातिमा नूर। रुक जाओ।
क्यों दसदा नहीं मैनू कित्थे लग तेरा दिल गया वे।